न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिंग इक्वेशन के पार्ट वन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंग इक्वेशन क्या है? सो सिंग इक्वेशन इज अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, विच इज गिवन बाय डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी मैकेनिकल माइनस पी मैक्स और माइनस पी इलेक्ट्रिकल विच इज पी मैक्स साइन डेल्टा। ओके, so it gives us an idea about variation of torque angle delta with time, ठीक है, and if we are able to plot this curve delta versus t curve, then we can get some idea about stability of the system, ठीक है। so अगर हमारे पास ये delta it continues to increase with time, तो हम कह सकते हैं कि system क्या है, it is unstable, and on the other hand अगर यह एक maximum value तक पहुँच के डिक्रीज करने लग जाता है एंड इट ऑसिलेट्स बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो ऑसिलेटरी सिस्टम है, सिस्टम विल बिकम ऑसिलेटरी एंड दीज ऑसिलेशंस विल डाई आउट ड्यू टू इनहेरेंट डैम्पिंग, ठीक है, एंड वंस द ऑसिलेशंस डाई आउट तो इवेंचुअली हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है। सो आवर मेन टास्क इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर सबसिक्वेंट टाइम इंटरवल्स, ठीक है। तो हाउ टू डू दैट इंटरवल्स, ओके, हाउ टू डू दैट, सो देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, न्यूमेरिकल टेक्निक्स टू सॉल्व दिस स्विंग इक्वेशन, एंड वन ऑफ दैट टेक्निक, द बेसिक टेक्निक इज पॉइंट बाय पॉइंट मेथड, ठीक है। सो वी विल बी डीलिंग विद दिस टेक्निक इन द अपकमिंग लेक्चर्स, ओके। सो पॉइंट बाय पॉइंट मेथड का ओवरव्यू देख लेते हैं, ओके। सो पॉइंट बाय पॉइंट मेथड इज सिंपली एन आइट्रेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करता हूँ मैं, इसमें विद द हेल्प ऑफ स्विंग इक्वेशन आई रिड्यूस द स्विंग इक्वेशन इनटू अ फंक्शन विच कैन गिव द न्यू वैल्यू ऑफ डेल्टा, एंड दिस फंक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक टाइम इंटरवल, एक्सेलेरेटिंग पावर, एंगुलर वेलोसिटी, ओल्ड वैल्यू ऑफ दिस टॉर्क एंगल, ठीक है। सो जो ये वाली वैल्यूज है, फर्स्ट आइट्रेशन में हम क्या करते हैं, आइदर दीज वैल्यूज आर गिवन, इनिशियल वैल्यूज हमें गिवन होती हैं, या हम ये क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज आई फाइंड आउट द न्यू वैल्यू ऑफ टॉर्क एंगल, ठीक है, एंड इन द सेकेंड सक्सेसिव आइट्रेशन दिस न्यू वैल्यू ऑफ डेल्टा रिप्लेस द ओल्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू की जगह हम डाल के दोबारा ये पूरा सिस्टम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे सब सक्सेसिव आइट्रेशन हम सॉल्व करते रहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, सच दैट जिस टाइम तक हमारा एक कर्व बन जाए जो कि हमें जो कि सफिशियंट इंफॉर्मेशन दे सके स्टेबिलिटी के बारे में, ठीक है, ओके। सो वन मोर पॉइंट इन पॉइंट बाय पॉइंट मेथड इज कि इसमें वी टेक सम assumptions, एंड ऑन द बेसिस ऑफ assumptions दिस पॉइंट बाय पॉइंट मेथड कैन फर्दर बी क्लासिफाइड और सब डिवाइड इंटू टू मैथड्स, ठीक है, दैट इज मैथड वन एंड मैथड टू, ठीक है। तो इन इस लेक्चर सीरीज में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैथड वन को स्टडी करेंगे, ठीक है, after that we will study this method 2 which is simplification of or simplified version of method 1, ठीक है, with the help of this method 2 we will solve numericals for better understanding, ठीक है, and in the numericals हम further dive in करेंगे effect of fault and fault clearance को analyze करेंगे इस in numericals में, ठीक है, with the help of this point by point method, and lastly हम ये पूरा का पूरा जो हमारे पास आंसर्स हैं ये मैटलैब में रियलाइज एंड विजुअलाइज करेंगे फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो दिस फिनिशेस दिस लेक्चर पार्ट वन, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।